हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहा पाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर हम जो कि पढ़ाई किए थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, जो कि मीन्स जो कि कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ाई किए थे, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, उसके बाद मोबिलिटी, थर्मल वोल्टेज, लीकेज करंट, वो सारा हम एक वीडियो में डिस्कस करे थे, पार्ट वन, पार्ट टू, या फिर कंसेप्ट वाइज जब हम डिस्कस करे थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट थ्योरी में। तो फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम नहीं निकाले थे, या फिर प्रॉब्लम्स कैसे आ सकता है, यूजुअल प्रॉब्लम्स, उसके बाद प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके कॉन्सेप्ट में हम कुछ भी डिस्कस नहीं किए। तो फिर उसी के वजह से या फिर उसी के कारण मैं एक वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन का आंसर प्रोविजन करूँगा, जो कि हैंड रिटन है, ठीक है। तो फिर इधर आप देख सकते हो क्वेश्चन एज वेल एज आंसर आल्सो गिवन विथ फार्मूलाज, ठीक है। फार्मूला के साथ आपको आंसर भी इसमें दिलवाया हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। कंफ्यूज क्यों होने का, क्योंकि आंसर एज वेल एज क्वेश्चन दोनों आपके पास ही है, आपको अंडरस्टैंड होना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमको पता है म्यू बाय, तो उसके बाद होल अंडर फील्ड ग्रेडियंट ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर इज 5 m पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द मोबिलिटी। सो इसमें पूछा है क्या है मोबिलिटी। सो मोबिलिटी का मतलब, या फिर मोबिलिटी इज इक्वल टू हाउ मच ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मोबिलिटी इज इक्वल टू हाउ मच ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पूछा है, तो हमको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय क्या बोलेंगे, मोबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो फिर इधर आप देख सकते हो मोबिलिटी इज इक्वल टू म्यू बाय इप्सिलॉन नॉट, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इधर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट या फिर फील्ड कितना है, 5/100 है, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूजुअल कितना है, हमको इधर दिया है 5 दिया है। सो उसका जो कि डेसिमल फॉर्म में यूजुअल आ सकता है कि 0.05 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट, ठीक है, वही है उसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर जो कि फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो सेकंड क्वेश्चन यूजुअल क्या दिया है यूजुअली। सो अगर हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर हमको एक ही पता चलेगा कि कैरियर डेंसिटी और कैरियर मोबिलिटी, कैरियर मोबिलिटी किससे बोलते हैं, या फिर वो कैरियर मोबिलिटी किसे बोलते हैं, या फिर सॉरी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। सो फिर कैरियर मोबिलिटी किसे बोलते हैं, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। इधर आप देख सकते हो द कैरियर मोबिलिटी इन ए सेमी कंडक्टर इज हाउ मच दिया है, 0.4 दिया है, ठीक है, 0.4 दिया है, जो कि मीटर पर फोर सेकेंड। इज डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट ऑफ 300 केल्विन, सो एट ए सर्टेन टेम्परेचर दिया है, कितना दिया है 300 केल्विन में। इसका क्या पूछा है डी निकालना है, या फिर डिफ्यूजन निकालना है। तो हमको पढ़े थे डिफ्यूजन, यूजुअल फॉर्मूला डिफ्यूजन किससे बोलते हैं, जब डिफ्यूज कब होता है यूजुअल इलेक्ट्रॉन, वो सारा हम डिस्कस किए थे। इधर आप देख सकते हो मोबिलिटी इंटू थर्मल वोल्टेज, ठीक है, मोबिलिटी इंटू वीटी, या फिर थर्मल वोल्टेज हम कहते हैं, ठीक है। तो फिर इधर देख सकते हो कि एग्जैक्ट फार्मूला, यूजुअल फार्मूला क्या है इधर। सो 0.4 इंटू 26 इंटू 10^-3, जो कि कांस्टेंट है, जो कि थर्मल वोल्टेज यूजुअल कांस्टेंट है। तो फिर इधर आप देख सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू इसमें दिया है 0.0104 मीटर स्क्वायर, ठीक है। किसका वैल्यू है, वो है ड्रिफ्ट वैल्यू, या फिर सॉरी डिफ्यूजन का एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर्मूला देखेंगे, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, जो कि मैग्नेटिक कैरियर कॉन्सेप्ट, जो कि लाइफ टाइम के बारे में हम पढ़ाई किए थे, रूट ओवर मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर RMS, उस सारा डिफरेंट मीन्स लाइफ टाइम कितना देर तक वो यूजुअल चलता है, ठीक है, वही उसको लाइफ टाइम बोलते हैं, हमको पता है। उसी के कारण या फिर उसी के कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम, ठीक है, उसका पढ़ाई हम करेंगे। बेस्ड अपॉन दैट हमको एक प्रॉब्लम इसमें दिया गया है, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो फिर इधर देख सकते हो द मैग्नेटिक कैरियर लाइफ टाइम एंड डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट इज सेमी कंडक्टर मटेरियल आर 100 microseconds एंड 100 cm² per second respectively, diffusion length of charge carrier is how much। तो इधर क्या पूछा है हमको, diffusion length पूछा है, जो कि root over of d into, ठीक है। तो usually
क्या हो सकता है, हमको सारा फॉर्मूलाज दिया है, फॉर्मूलाज या फिर कंस्टेंट्स दिया है, फॉर्मूला यूज करो, आंसर निकालो, यूज यूज द फॉर्मूला, गेट द आंसर। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में हम जाएंगे। उस कॉन्सेप्ट में जाने के साथ साथ हमको ये भी पता चल जाता है कि कौन सा कंसेप्ट या फिर कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में यूज हो सकता है। ठीक है, तो फिर आप देख सकते हो, या फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइफ टाइम, जो कि हम फॉर्मूलाज है एल इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ डी इन टू टी। ठीक है, अब तक जो भी फॉर्मूलाज के साथ साथ हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, मोबिलिटी का, डिफ्यूजन का, उसके बाद लाइफ टाइम का, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको गेट एज वेल एज ईएससी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इधर प्रॉब्लम में दिया है, सैंपल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इधर आ गया एन टाइप। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज ई डेंसिटी ऑफ 6.25 × 10⁻¹⁸ स्क्वायर एंड 100 केल्विन इंटेंसिक सेमीकंडक्टर ऑफ लार्ज चार्ज कैरियर इन सैंपल ऑफ 2.5 × 10⁻¹⁰। सो होल कंसेंट्रेशन हमको निकालना है। सो होल कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू सम ऑफ एन आई स्क्वायर बाई एन आई, जो कि हमको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट्रेशन, होल कंसेंट्रेशन, इंट्रेंसिक चार्ज कंसेंट्रेशन कितना हो सकता है। सो एन आई इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, सो एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, यूजली एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन इंटू हाउ मच एन एन। ठीक है, वो यूजुअल फॉर्मूला है किसका, कैरियर डेंसिटी या फिर कैरियर इंटेंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन का यूजुअल फॉर्मूला है। तो फिर इधर फॉर्मूला का यूज हुआ है और उसका अप्रोप्रिएट आंसर भी निकाला है। ठीक है, तो फिर आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, क्या समझ आ गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे, जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डिवर्स थ्योरी के बारे में, जो कि क्वेश्चंस जो कि हम डिस्कस नहीं किए थे, उस क्वेश्चंस का आंसर्स एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी माने जाते हैं, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर आशा है कि नेक्स्ट वीडियो जो भी होने वाला है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है, या फिर नॉट बड़ा होने वाला है, अप्रोप्रिएट होने वाला है। आशा करता हूँ कि आप सब जुड़े रहेंगे इस वीडियो सेक्शन में। आशा ये भी करता हूँ कि आप सब खुश है, सेफ है, वेल है। तो फिर आपको अंत में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि मिशन आईएएस जो कि है एक एजुकेशन सेंटर, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कोचिंग दे रहे हैं एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि अंडर ट्राइब या फिर अंडर पॉवर्टी में जो है उनके लिए। तो फिर अगर आप बहुत धनवान हो, रिच हो, कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, तो फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस चैनल के माध्यम से। मैं हर एक नागरिक जो कि है इंडिया में, आई वॉन्ट्स टू रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू कंट्रीब्यूट something, some amount to the tribes, such that we can provide them a good quality of education where the government has lagging. So I cannot say like that, but they are trying their best. But I am as a keeper, as a guider, I want to also help my contribution. I want to also give my contribution to those who are watching my video and also to those students who are making my videos much more fruitful. So at last, I want to say, give some contribution for the immense opportunity of those students who are lagging by proper education. Thank you for watching my video. Thanks a lot.